बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं खुश नहीं हूँ कि ये नेता ये बताना चाहते हैं कि तुम कल भी नीच थे, आज भी नीच हो, आगे भी नीच रहोगे, हमारे घर खाना इसलिए बुला रहे हैं के लिए नहीं है हम यहाँ पर। ये जो अधिकार संविधान में हमें मिले हमको वो चाहिए, जो हमारे घर आते हैं एक बार दो दिन जहर मिलाकर देना पड़ेगा इनको, ठीक ना, बुलाने पड़ेंगे हजारों की तादाद में, जहर मिलाना पड़ेगा इनके, साले खाएंगे नहीं खाना। आज तक हमारे घर कितने ब्राह्मण खाने आए हैं, कितने बनिया खाने आए हैं, कितने ठाकुर खाने आए हैं, आज तक हमने किसी की फोटो नहीं डाली है, और उन पर तो FIR होनी चाहिए। SC ST दिल्ली के लोगों को अधिकार तो दो पहले, पंजाब के लोगों को अधिकार तो दो आप लोग पहले। यहाँ डेली एट्रोसिटीज हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के साथ में एट्रोसिटीज हो रही है, प्रोफेसर को निकाल दिया जाता है। दिल्ली जैसे शहर में एट्रोसिटीज हो रही है उन पर तो ये बोलते नहीं है केजरीवाल साहब। देखो हमारी तो कहीं मांग नहीं थी, हमने कभी मांग नहीं करी कोई हमें खाने के लिए बुलाए, हमारा तो अधिकार दे दे, ये खाने के लिए बुला रहे हैं, मगर जो हमारा अधिकार खा के बैठे हैं ये उसको देने को तैयार नहीं है। एजुकेशन ये देने को तैयार नहीं है, रोज़गार ये देने को तैयार नहीं है, मान सम्मान ये देने को तैयार नहीं है, और यहाँ तक ये देखो जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं उनको तो देने को तैयार नहीं है। आप देखिए जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ के लोगों को बुलाकर ये घर पर खाना खिलाने काम करते हैं। इन्हीं केजरीवाल साहब ने दिल्ली में जब 2014-2015 में जब आए थे नए ये, तो इन्होंने कहा था कि मुझे एक बार मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो जितने भी दिल्ली में प्राइवेट लोग काम करते हैं, ठेकेदारी पर काम करते हैं, सफाई कर्मचारी, उनको पक्का कर दूंगा, आज तक तो करा नहीं। इन्होंने कहा था कि जो लोग प्राइवेट जो ठेकेदारी पर शिक्षा में काम करते हैं उनको मैं पक्का कर दूंगा, आज तक नहीं करा। रोजगार नहीं देंगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, सिम्बोलिक है बस। एक आदमी को बुलाया, एयरपोर्ट से लाए हैं, रिसीव करके वीडियो कैमरे लेकर साथ गए हैं, कितना बड़ा खर्चा क्या देखिए। आप देखिए वो जो खाना खाने के लिए बुलाया गया ना था, वो खाना खाने के लिए नहीं बुलाया गया था, वो वीडियो बनवाने के लिए बुलाया गया था, वो अपमान करने के लिए बुलाया गया था कि दलित जो है आज भी देश में ऐसा है कि उसको हम अपने घर खाना खिला के ये बताना चाहते हैं कि भाई हम छुआछात नहीं करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इसका मतलब है कि देश में आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, ये बात साबित करती है, केजरीवाल साहब की ये बात साबित करती है, उनको घर बुलाकर, उस लड़के को घर बुलाकर, उसके परिवार को घर बुलाकर, कि देश में आज भी जातिवाद है। जो जातिवाद के लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है, अगर देश में जातिवाद नहीं होता तो फिर दलित को क्यों बुलाते, वो हर किसी को बुलाकर अपने घर पर खाना खिलाते, तो ये जातिवाद है। गुजरात में, हाँ दिल्ली में कोई दलित नहीं मिला ना, गुजरात में तो चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव के दलित दलित हैं अब, और जैसे ही वहाँ सरकार बनेगी तो दलित नहीं मिलेंगे। अभी कुछ पहले पंजाब में थे, पंजाब में अब सबसे ज़्यादा दलित पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब में कोई दलित नहीं मिला उनको, पंजाब में जो उनके अधिकार हैं उनको भी नहीं दे रहे हैं वो, दिल्ली में जो अधिकार हैं उनको नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ये जो लोग हैं ये दिखावे की राजनीति करते हैं, ये कैमरे की राजनीति करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं वो फोटो खींचने लगते हैं और कैमरा का जो कैमरा वो बंद होता है, तो ये जो लोग हैं फोटोजेनिक लोग हैं, ये सिर्फ समाज को और पूरे देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करते हैं। इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं, जो करते हैं वो दिखाते नहीं हैं, और जो दिखाते हैं वो करते नहीं हैं। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं खुश नहीं हूँ कि ये नेता ये बताना चाहते हैं कि तुम कल भी नीच थे, आज भी नीच हो, आगे भी नीच रहोगे, हमारे घर खाना इसलिए बुला रहे हैं, आज भी देश में डिस्क्रिमिनेशन है, ये बात साबित करती है किसी को घर खाना खिलाने का। मेरे घर पे बहुत सारे लोग खाना खिलाने आते हैं, मैं तो फोटो डाल मैं नहीं खींचता, मैंने तो आज तक फोटो नहीं डाले। केजरीवाल तो तुम्हारे घर खाते, केजरीवाल तो अपने घर खिला रहा है। मैं क्या बुला रहा हूँ, कोई हमारे घर खाकर फोटो खिंचवाए या कोई हमें अपने घर बुलाकर फोटो खिंचवाए खाने के, वो नालायक व्यक्ति है, वो जातिवादी व्यक्ति है, उसके माइंड में जातिवाद है। हमारे घर जितने लोग आते हैं, क्या नॉर्मल ऐसा प्रोसीजर होता है क्या, कोई तुम्हारे घर खाना खाने आता है उसका फोटो खींच कर तुम पूरे देश में दुनिया बताने काम करोगे? नहीं, उनकी नीयत से दिक्कत है, हमको उनकी नीयत से दिक्कत है। अगर वो बुलाते हैं उनको, बुलाने के बाद में उसको खाना खिलाते, सम्मान करते, नौकरी देते उसको अपने यहाँ पे, सारे दलितों को नौकरी दें तो अच्छी लगेगा सबको। उनके अधिकार तो दे नहीं रहे ये लोग, अधिकार नहीं देंगे उनको, मगर उनको खाना खा के ये जताएंगे कि तुम नीचे हो, हम तुम्हें खाना खिला के दे रहे हैं, हम अपने बराबर तुम्हें बैठाने का काम कर रहे हैं, ये जताने का काम कर रहे हैं, बार बार उनको दिखाने का काम कर रहे हैं, लाखों लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि तुम कल भी नीचे थे, आज भी नीचे हो, आज भी दलित हो, कल भी दलित रहोगे। हम उनको बताना चाहते हैं तुम्हारे खाने के लिए नहीं है हम यहाँ पर, ये जो अधिकार संविधान में हमें मिले हमको वो चाहिए, हम भीख मांगने के लिए नहीं खाने यहाँ पैदा हुए हैं, हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम यहाँ अपने अधिकारों के लिए पैदा हुए हैं, हमें अधिकार दे दीजिए। अगर ये हमें अधिकार दे दें
सिर्फ अधिकार जो संविधान में हमारे अधिकार हैं, जो एजुकेशन का अधिकार है, जो रोजगार का अधिकार है, जो हमें इस देश में हर शहरी नागरिक के बराबर जो इज्जत का अधिकार है वो सिर्फ दे दें हमें, तो हम इनसे कहीं आगे पहुंच जाएंगे। केजरीवाल अधिकार नहीं दे रहे आपको, बिजली पानी सब फ्री दे रहे हैं। अरे फ्री ना चाहिए भैया हमें, फ्री नहीं चाहिए, फ्री अपने घर से दे रहे हैं क्यों? अपने घर से लेके आए थे फ्री क्या? हमारे पैसा है, हमारे पैसा हम पे यूज कर रहे हैं, संविधान उसकी गारंटी देता है, संविधान उसको अधिकार देता है हर सिटीजन को, वो अपने घर से ला रहे हैं क्या? ये खाना खाने का ट्रेंड जब तक है जब तक इनको जो हमारे घर आते हैं एक बार दो दिन जहर मिलाकर देना पड़ेगा इनको, ये ना बुलाने पड़ेंगे हजारों की तादाद में, जहर मिलाना पड़ेगा इनके, साले खाएंगे नहीं खाना। ये खाना खा के तुमको जताना चाहते हैं कि तुम नीचे हो, हम तुम्हें खाना खाएंगे तुम्हारे घर पे तो तुम हमारे बराबर हो जाओगे, या अपने घर हम बुलाकर तुम्हें खाना खिलाएंगे तुम हमारे बराबर हो जाओ। आज तक हमारे घर कितने ब्राह्मण खाने आए हैं, कितने बनिया खाने आए हैं, कितने ठाकुर खाने आए हैं, आज तक हमने किसी की फोटो नहीं डाली है क्योंकि हम बराबर समझते हैं सबको। और हम हाँ प्लेन से इसलिए बुलाए हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि भैया तुम नीचे हो, हम तुम्हें प्लेन में बैठा देंगे, प्लेन में बैठा के बताना चाहते हैं कि हम कोई जातिवाद नहीं करते हैं। वो उनका ये एक्ट ही जातिवाद है और उन पर तो FIR होनी चाहिए। SC ST दलित संगठन है, आम आदमी पार्टी बड़ी सराहना कर रहे हैं, वो तो देखिए। देखिए भक्त भक्त हर पार्टी में होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, आम आदमी पार्टी हो, सारी हैं। ये बड़े जो हैं उस्ताद हैं उनके छोटे छोटा पॉकेट है ये सारे लोग, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इनसे ये उम्मीद करना कि ये कोई दलितों का भला करेंगे या दलितों को उनके अधिकार दिलाने का काम करेंगे, दलितों को बच्चों को विदेश भेजने का काम करेंगे, उनको बैरिस्टर बनाने का काम करेंगे, उनको जज बनाने का काम करेंगे या उनको अच्छी नौकरी देने का काम करेंगे, ये सिर्फ खाना खिला सकते हैं और फिर एहसान जताएंगे कि हमने दलितों को खाना खिला दिया, जैसे बिजली का एहसान दिखाते हैं। अरे अपने घर से नहीं दे रहे ये लोग, ये हमारा ही पैसा है, संसाधन इस देश के हैं, क्या अपने घर से दे रहे नहीं दे रहे ना? तो ये जो दे रहे हैं ये ड्यूटी है स्टेट की, ये ड्यूटी है हर सरकार की कि उसके नागरिकों, अपमान इसलिए लग रहा है कि केवल दलितों को क्यों, केवल दलितों को क्यों बुला के घर पे खाना खिलाने का नाटक करते हो आप? आप औरों को बुलाकर नाटक क्यों नहीं करते ये बताइए? और हम भी नाटक करेंगे, अब हमारे बहुत सारे दोस्तों बुलाएंगे, उनको डालेंगे कि भाई हमने भी अपने घर पे बुलाया इनको, हमारे बनिया कई हमारे साथ काम करते हैं, हमारे मेरे ऑफिस में कई काम करते हैं, मेरे ऑफिस में कई लोग लड़के काम करते हैं जो बनिया है, अब मैं उनको भी खाना खिलाने भेजूंगा, फिर मैं फोटो डालूंगा कि मैंने आज बनिया को खाना खिलाया, मैंने आज ब्राह्मण को खाना खिलाया, मैंने आज ठाकुर को खाना खिलाया, मैंने आज मुसलमान को खाना खिलाया, मैंने आज फलाने को खाना खिलाया। क्या ये उचित है? क्या एक अच्छे आदमी जो बीमार नहीं है मानसिक, क्या उसके लिए ठीक है? मैं मानसिक बीमार बोलूंगा इन लोगों को? ये सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है, वोट की राजनीति है, वहाँ चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, इसलिए वहाँ के दलितों को बोलना चाहते हैं ये लोग कि हमसे बढ़िया कोई नहीं, हम तो तुम्हें खाना खिलाते हैं, अपने घर में अधिकार नहीं देंगे, हम तो खाना खिलाते हैं। दिल्ली के लोगों को अधिकार तो दो पहले, पंजाब के लोगों को अधिकार तो दो आप लोग पहले। यहाँ डेली एट्रोसिटीज हो रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के साथ में एट्रोसिटीज हो रही है, प्रोफेसर को निकाल दिया जाता है। दिल्ली जैसे शहर में एट्रोसिटीज हो रही हैं उन पर तो ये बोलते नहीं है केजरीवाल साहब, इनकी पार्टी कोई नहीं बोलती है ये। बाकी गुजरात से एक आदमी को बुला के उसकी फैमिली को बुला के दिखाना चाहते हैं कि हम दलितों के रहनुमा है। मैं दलितों को बताना चाहता हूँ तुम्हारा रहनुमा कोई नहीं है, तुम्हें अपनी पावर खुद तैयार करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिटिकल पावर खुद तैयार करनी पड़ेगी। जब तक तुम अपने अच्छे नेताओं को तैयार नहीं करेंगे, अपने नेताओं को पार्लियामेंट नहीं भेजेंगे, अपने नेताओं को विधानसभा में नहीं भेजेंगे, आपकी आवाज़ नहीं उठेगी, ऐसे ही खाने पर मरते रहना। पहले गाँव में ऐसे ही होता था, काम कराते थे खाने के लिए बुला लेते थे खान, अभी ये भी खाने पर है। अरे हम खाने के लिए पैदा हुए क्या इस देश में? क्या हम खाना नहीं खा रहे? जो 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं देश के अंदर, उनको तो तुम खाना दे नहीं पा रहे, ना मोदी जी खाना दे पा रहे, ना योगी जी खाना दे पा रहे, ना इस देश के जो भी नेता वो खाना नहीं दे पा रहे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है 20 करोड़ की, ये 20 करोड़ की रिकॉर्ड है, जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है। उनको खाना दो ना, उनको खाना दो, उनको तो तुम खाना दे नहीं पा रहे, उनको तुम खाना छीन रहे। एक दलित को खाना खिला के ये बताना चाहते हो कि ये नीचा है और डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं।